जय श्री कृष्णा दोस्तों, निशा एक बार फिर हाजिर है आप ही के अपने YouTube चैनल SB Homes में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी आप ही के अपने YouTube चैनल में, और यही बोलना चाहूँगी कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, उसको भी आप बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या रहेगा कि आपको हमारी डेली बेसिस पे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, और आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी जल्द ही मिल जाए। तो ये रहेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही बड़ा फायदा। अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम आए कहाँ हैं। आज हम फिर आए हैं कालवार रोड पर, मेन कालवार रोड से डिस्टेंस की बात करेंगे, ओनली 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपका विला लोकेटेड है। और सबसे अच्छी वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो कॉर्नर विला आज निशा आपके लिए लेकर आई है, वो भी ZA अप्रूव्ड, मेन कालवार रोड से ओनली 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। तो आप तो समझदार ही है कि आज का वीडियो देखना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, तो निशा के साथ एंड तक बनी रहिएगा। आगे की बात करेंगे विला का एलिवेशन देखने के बाद। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज के घर का फ्रंट एलिवेशन लुक। दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत ही प्यारा एलिवेशन हाउस का दिया गया है, अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है, कुछ काम पेंडिंग भी है, आप आएंगे तब तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कॉर्नर विला आपका रहने वाला है, ZA अप्रूव्ड आपको ये मिल जाता है। यहाँ पर ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, फ्रंट में टेक्सचर वर्क किया गया है, यानी कि वेदर में कभी भी कुछ भी खराब नहीं होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, बर मिरर भी बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ आपको मिल जाता है। अब हम करेंगे आपके विला के साइज की बात। 15x50 के डायमेंशन के साथ 83 गज में आपका ये हाउस बना हुआ है, डुप्लेक्स हाउस आपका रहने वाला है, 3 BHK बना हुआ है। स्पेस देखिए, जो पार्किंग स्पेस है बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है, इजीली यहाँ पर आप अपनी कार पार्क कर पाएंगे। साइड वॉल पर भी टाइल्स का वर्क मिल रहा है, यानी कि डंपलेस तो हो गया, बाय बाय। इस तरफ देखिए, यहाँ पर लॉबी स्पेस आपको मिल जाता है, आप यहाँ पर अपना एक्स्ट्रा सामान प्लेस कर सकते हैं। वाटर टैंक का प्रोविजन आपको यहाँ पर दिया गया है, एंड इसी के जस्ट पास में यहाँ से अभी हम एंट्री करेंगे 2 स्टेप्स के बाद आपके लिविंग एरिया में। इस तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सूर्य को डिजाइन किया गया है, एंड यहाँ पर मोटर के लिए स्पेस भी आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्क किया गया है। आ जाइए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं आपके लिविंग एरिया में, और स्पेस देखिए सबसे पहले आप, स्पेस बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। इस वॉल पे देख पा रहे हैं आप, बहुत ही प्यारा सा इंटीरियर वर्क किया गया है, कुछ काम जैसे कि वॉलपेपर लगना भी पेंडिंग है। सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी कुछ टाइम से कि मैम इनसाइड स्टेयर्स के साथ कोई घर आप हमारे लिए लेकर आएँ। आज का जो घर है इनसाइड स्टेयर्स के साथ रहने वाला है। स्टेयर्स आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी रेलिंग के साथ, ग्रेनाइट वर्क के साथ आपको मिल जाती है। स्टेयर्स के नीचे कितना प्यारा वर्क किया गया है, यानी कि LED पैनल को डिजाइन किया गया है वुडन वर्क के साथ। इस तरफ देखिए, वाइड वॉश बेसिन एरिया रखा गया है, स्टोरेज भी आपको खूब सारा यहाँ पर मिल जाता है, तो स्टोरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है इसी के साथ में, बाय बाय। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं लेडीज की जान मान शान मॉड्यूलर किचन। एंट्री देखिए, बहुत ही प्यारी एंट्री आपको दी गई है वुडन वर्क के साथ। आ जाइए, ये रहेगा आपका मॉड्यूलर किचन। देखिए स्पेस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर विंडो का होना, यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन तो रहेगा, इसी के साथ में डे लाइट भी आपको मिलती रहेगी। चिमनी के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, कैबिनेट्स खूब सारे मिल रहे हैं, स्लाइडिंग ड्रॉअर आपको मिल जाते हैं, जो आपका टॉप है एल शेप के साथ आपको दिया गया है। ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप तो समझ ही गए हैं, फ्रीज के लिए स्पेस आपको मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलने वाला है आपका एक बेडरूम, एंड इसी के साथ में कॉमन वॉशरूम भी आपको दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर आ जाता है आपका कॉमन वॉशरूम, टाइल्स वर्क बहुत अच्छा आपको मिल जाता है, वेंटिलेशन के लिए स्पेस रखा गया है। ये है आपका फर्स्ट बेडरूम। आ जाइए, फर्स्ट बेडरूम का स्पेस देख ही पा रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है, इजीली यहाँ पर आ जाएगा आपका डबल बेड, एंड साइड वॉल पे देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा पेंट किया गया है बहुत ही प्यारी डिजाइन के साथ। फॉल सीलिंग देख लीजिए, कंप्लीट फॉल सीलिंग आपको मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ। फॉल सीलिंग देखने के बाद इस तरफ आ जाइए दोस्तों, इस तरफ देखिए, यहाँ पर स्टोरेज एरिया आपको दिया गया है, वार्डरोब आपको मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वुडन वर्क के साथ ये रहने वाली है।
जस्ट इसके अपोजिट आ जाता है आपका बैकयार्ड। यहाँ से वेंटिलेशन तो रहेगा, सफोकेशन भी नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों अभी हम कर चुके हैं ग्राउंड फ्लोर का टूर, चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पे। आ जाइए। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये देखिए सबसे पहले आ जाता है आपका सिटिंग एरिया बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ। इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर देखिए डिज़ाइन किया जाएगा आपका मंदिर जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। लाइक जब कंप्लीट हो जाएगा तब कितना प्यारा लगेगा, आप जब विजिट करने आएंगे तब आप देख पाएंगे। दोस्तों फॉल सीलिंग में देख लीजिए, फॉल सीलिंग में भी थोड़ा सा काम पेंटिंग है लेकिन जितना भी हुआ है बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इस तरफ देखिए आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी एक और कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, एज ए टीज वॉशरूम रहने वाला है वेस्टर्न सीट के साथ। ये आ जाता है आपका सेकंड बेडरूम। बेडरूम का स्पेस आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी साइड वॉल सिंपल नहीं रखी है, इसके बजाय बहुत ही अच्छी प्यारी डिजाइन के साथ आपको मिल जाती है। फॉल सीलिंग में देख सकते हैं कलरफुल लाइट्स का यूज किया गया है। आपके इस बेडरूम में भी बैकयार्ड रखा गया है, यानी कि सफोकेशन नहीं होगा, वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा। अगर यहाँ पर आप अपना कूलर लगाना चाहें तो वो भी इजीली लगा सकते हैं। आ जाइए अब हम देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम जो कि अपोजिट साइड रहने वाला है आपके सेकंड बेडरूम के। ये जो स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ से आप डायरेक्ट जा पाएंगे अपनी टेरेस की तरफ। आ जाइए दोस्तों, जो आपका थर्ड बेडरूम है इसके स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा आपको मिल रहा है। ये देखिए कितना अच्छा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर भी प्यारी सी आपकी वॉल डिज़ाइन की गई है। फॉल सीलिंग तो बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ डिज़ाइनर फॉल सीलिंग आपको मिल रही है। आपके इस बेडरूम में भी स्टोरेज के लिए वार्डरोब दी गई है। इस बेडरूम के साथ अटैच्ड आपको बालकनी भी मिल जाती है। आ जाइए एक बार विजिट करते हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ आपको बालकनी मिल जाती है। तो इसी के साथ अभी हम कर चुके हैं अपने इस प्यारे से हाउस का टूर। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इसी के साथ अपने डिमांड्स भी मुझे मेंशन कर दें। अब हम बात करेंगे आज के घर के प्राइस की, जो कि कॉर्नर विला रहने वाला है। ओनली 53 लाख में आपको ये कॉर्नर विला मिल रहा है, वो भी ZDA अप्रूव्ड 3 BHK डुप्लेक्स। तो देर किस बात की है, फिर नंबर स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, जल्दी से फोन उठाकर निशा को कॉल लगाइए और आ जाइए साइट विजिट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।